हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये राजस्थान करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं आज से, है ना। तो इससे पहले के जो करंट अफेयर्स हम अपलोड कर चुके हैं तो उनको भी देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ये जो करंट अफेयर्स हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सेम रूप से इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप RS का एग्ज़ाम दे रहे हों या राजस्थान में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी खबर है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो यहाँ से बाहर नहीं रहेगी। तो सूजा सी बुलेटिन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 22 जून से लेकर 29 जून तक का न्यूज़पेपर देखेंगे। इससे पहले के न्यूज़पेपर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। हालाँकि ये लेक्चर मैं क्या है दूसरी बार अपलोड कर रहा हूँ। पहले मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर क्या है वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मुझे दोबारा से वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आ जाइए, आगे वाले लेक्चर में आपको ओवरव्यूज़ मिलेंगे। ये मैंने वापस से इसको क्लियर करके बना दिया, पर आगे वाले तो आपको ओवरव्यूज़ मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, प्रदेश में 50,000 महात्मा गांधी सेवक प्रेरक नियुक्त होंगे। तो देखो, ये महात्मा गांधी सेवक प्रेरक नियुक्त करने की क्या जरूरत पड़ रही है राज्य सरकार को। मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो महात्मा गांधी जी को विचार हैं, आदर्श हैं, ठीक है, जो उनकी शांति सद्भावना के जो संदेश है वो आम लोगों तक पहुँचे, वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो गांधी जी के विचारों से क्या है, गांधी जी के विचार, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि गांधी जी ने अकेले ने हमें आज़ादी दिला दी थी, ठीक है। परंतु आप ये देखिए कि उस समय पर गांधी जी को इतना माना जाता था, तो उनके जो विचार थे उस समय जितने इंपॉर्टेंट थे उतने ही आज इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि विचारों में कोई बदलाव आ गया, विचार तब भी वही वैल्यू रखते थे, आज उससे भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, तो ये मान के चलिए। तो गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। जहाँ आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं अपने माँ बापों की देखभाल नहीं कर रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि आजकल जो वैल्यू, जो मॉरल एथिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए हैं, उनका डिक्लाइन हो गया। तो कहीं कहीं जो गांधी जी के विचार हैं उनसे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में और आगे बढ़े, यही संदेश के साथ में राज्य सरकार के ऑब्जेक्टिव है कि जो गांधी जी के विचार हैं वो जनता तक पहुंचना सुनिश्चित हो, और इसके लिए गांधी सेवक प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। अब जो ये गांधी सेवक प्रेरक है, ये कि इनको क्या है मानदेय भी दिया जाएगा प्रतिमा। तो कितना दिया जाएगा इनको मानदेय दिया जाएगा 4,500 रुपये, ठीक है। और ये इसका जो इनका जो पीरियड होगा, जो इनको अपॉइंट किया जाएगा वो कितना, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो कोई भी बंदा मुंह उठा के जाए और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त हो सकता है, नहीं, ठीक है। इसके लिए एज लिमिट रखी गई है, कितनी एज लिमिट रखी गई है, 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु का कोई बंदा है वही जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 21 वर्ष से लेकर कितनी, 18 वर्ष नहीं है, 21 वर्ष से 50 वर्ष है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट खबर मिलेगी वो देखते जाएंगे। देखिए महंगाई राहत कैंप, ये हमने कई बार डिस्कस किया, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए 500 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, प्रत्येक परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य की सरकार को। तो ये BPL फैमिलीज को कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है कोई भी मुँह उठा के जाएगा उसको दे दिया जाएगा। हालाँकि जो एनरोल कराएगा उसको मिल जाएगा, है ना। BPL फैमिली वाले हैं जनरली जिनको मिलना चाहिए, तो उन्हीं के लिए स्कीम लाए, पर हालाँकि कोई भी कर सकता है। तो इसमें चाहे किसी भी कीमत का ये सिलेंडर हो तो 500 रुपये में मिल जाएगा प्रत्येक परिवार। इसके अलावा जो न्यूनतम सामाजिक पेंशन है, पहले क्या थी 500 रुपये, 750 रुपये दी जाती थी, उसको ख़त्म करके न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये कर दी गई है। चाहे वो एकल नारी हो, चाहे वृद्धजन हो, कोई भी हो, उसको क्या है न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी मिलेगी, 1,000 रुपये मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रति माह, पर मंथ याद रखना है, प्रति माह 100 यूनिट बिजली फ्री सभी के लिए कर दी गई है, और 2,000 यूनिट पर मंथ, ये भी प्रति माह ही है, पर मंथ है, ठीक है, दोनों ही पर मंथ है, ये थोड़ा ध्यान रखें कि चाहे किसानों को बिजली दी जा रही हो, चाहे आम जनता को दी जा रही हो, ये पर मंथ यूनिट फ्री दी जा रही है। किसानों को 2,000 यूनिट पर मंथ फ्री दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। तो ये जो स्कीम है 21 मई, कौन सी, 21 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 25 लाख रुपए का बीमा करा जाता है, तो ये कब स्टार्ट करी गई थी, 21 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। शुरुआत में इसमें राशि कितनी रखी गई थी, 5 लाख रुपए का बीमा किया जाता था, ठीक है। फिर इसकी राशि को बढ़ा के 10 लाख रुपये कर दिया गया था, अब इसकी राशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 25 लाख कर दिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मनरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, रोजगार की गारंटी दी जा रही है राजस्थान में, कितना, 125 दिन की दी जा रही है। तो क्या 125 दिन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है, बताइए। तो ये इसमें क्या है, 100 दिवस का रोजगार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, प्लस 25 दिन का रोजगार कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इस तरीके से मिला के जो 25 दिन का जो एक्स्ट्रा रोजगार दे रही है ना, 25 दिन का उसका पैसा कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें।
अब देखिए यहाँ पे अपन ने पढ़ा था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के लिए बीमा किया गया है 25 लाख रुपए का, और दुर्घटना बीमा कितना किया गया है 10 लाख रुपए का। इसमें भी पहले 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता था, उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई राशि को 10 लाख रुपए कर दी गई है, ये ध्यान रखना है। ये कब लाए चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये जो स्वास्थ्य बीमा है उसके 1 साल बाद लेकर आए हैं, वही 21 मई डेट रहेगी, डेट तो वही रहेगी 21 मई, ठीक है, पर ईयर बदल जाएगा 2022 हो जाएगा इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, देखो शहरों जैसे मान लीजिए मनरेगा क्या है, गाँव में देते हैं रोजगार, 125 दिवस का रोजगार इसमें उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ऐसे ही शहरों में भी तो रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो इसलिए राज्य सरकार क्या करी इंदिरा गांधी जी के नाम से शहरी रोजगार गारंटी योजना लेकर आई। शुरुआत में इसमें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें प्लस 25 दिन का बढ़ा के इसको भी 125 दिन कर दिया गया है, और इसमें जो पूरी राशि है 125 दिन की राशि कौन वहन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, ठीक है। अब ये पशुओं का बीमा कराया जा रहा है, इसमें 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा किया जाता है, और मैक्सिमम कितना 2 दुधारू पशुओं के लिए बीमा किया जाएगा, तो दुधारू पशु कौन से, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, ठीक है, गाय हो या भैंस हो किसी के लिए भी कराया जा सकता है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में, आप बीमा करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में है 2 गायें, ठीक है, 2 गायें हैं और 2 ही भैंसे हैं मान लीजिए, तो या तो आप दोनों गायों के लिए करा सकते हैं, या दोनों भैंसों के लिए करा सकते हैं, या 1 गाय या 1 भैंस के लिए आप ये पशु बीमा करा सकते हैं, तो इस तरीके से आप किसी का भी बीमा करा सकते हैं। और एक के लिए, एक पशु के लिए 40,000 रुपये का बीमा किया जाता है, तो 2 के लिए कितना हो गया प्लस 40,000 रुपये, ठीक है, इक्वल टू 80,000 रुपये का बीमा हो जाएगा इसके अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में फ्री राशन दिया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन सा राशन दिया जा रहा है, ठीक है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अंदर आपको खाद्य सामग्री दी जा रही है, क्या क्या दिया जा रहा है, एक दी जा रही है चना दाल, चने की दाल दी जा रही है, ठीक है, चना दाल कितनी दी जा रही है 1 kg। दूसरा क्या दिया जा रहा है, दूसरा इसमें दिया जा रहा है चीनी, चीनी दी जा रही है कितनी, सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट नहीं शुगर है, ठीक है, शुगर कितनी दी जा रही है 1 kg। तीसरा क्या दिया जा रहा है, नमक, नमक को क्या बोला जाता है, सॉल्ट, ठीक है, ये कितना दिया जा रहा है, ये भी 1 kg दिया जा रहा है। चौथा क्या दिया जा रहा है, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, खाद्य तेल हो गया, खाद्य तेल मतलब एडिबल ऑयल, ठीक है, एडिबल ऑयल कितना 1 लीटर। इसके अलावा, ठीक है, चना, चने की दाल हो गई, चीनी हो गई, नमक हो गया, खाद्य तेल, इनके अलावा मसाले भी दिए जा रहे हैं, मसाले, तो मसाले में क्या क्या दिया जा रहा है, पांचवा पॉइंट हो जाएगा, मसाले में दिया जा रहा है मिर्ची पाउडर, मिर्ची का पाउडर दिया जा रहा है, ध्यान रखना कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर दिया जा रहा है। छठा क्या दिया जा रहा है, धनिया पाउडर, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए 100 ग्राम हो गए, 100 ग्राम, ठीक है, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम है, धनिया पाउडर 100 ग्राम है, ये दोनों मतलब अलग अलग ऐसे याद कर लिया जा रहा है, मैं एक साथ लिख दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि 100 ग्राम ही दिए जा रहे हैं कि दोनों, नहीं, ये दिया जा रहा है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और ये भी 100 ग्राम, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और 7वां पॉइंट है हल्दी पाउडर, और ये कितना दिया जा रहा है, ये 50 ग्राम, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि आपको चना दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, खाद्य तेल 1 किलो, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम उपलब्ध कराया जा रहा है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में, फ्री राशन वितरित किया जा रहा है बीपीएल परिवारों को, ठीक है, सबको नहीं, बीपीएल परिवारों को ही दिया जाएगा, सॉरी, आ जाइए नीचे चलते हैं। इसके अलावा देखिए उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार के द्वारा संचालित की गई है, इसमें जो SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की भी उद्योगों में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ये योजना लेकर आई है। योजना का नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर जी के नाम पर है, तो इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। कब स्टार्ट करी गई, वर्ष 2022 में स्टार्ट करी गई,
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए नीचे चलते हैं। अब देखिए इसके अलावा पालनहार योजना है, पालनहार योजना के प्रोविजंस आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर एक हो गया, ठीक है। पालनहार योजना में कितने रुपए की राशि मैक्सिमम दो बच्चों को दी जाती है, तो कितने कितने रुपए की राशि, क्योंकि अभी राशि हाल ही में बढ़ाई गई थी और पिछले लेक्चर में हमने इस पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। इसके अलावा देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% के आसपास रहेगी कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल का विज्ञान केंद्र डिजिटल प्लेनिटोरियम कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया जा रहा है मतलब कोटा के अंदर किया जा रहा है, बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो विज्ञान केंद्र है, ये साइंस सेंटर क्यों डेवलप किया जाता है, जैसे बच्चों को साथ में जो समाज के जो लोग हैं वो भी साइंस के प्रति जिनको जागरूकता बढ़े, साइंस के प्रति उनका अनुभव बढ़े कि भैया ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये अंतरिक्ष में किस तरीके से खगोलीय पिंड किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मूवमेंट होते हैं, है ना। तो ये सारी घटनाओं के बारे में नॉलेज देने के लिए होता है, बच्चों का ज्ञानवर्धन करने के लिए होता है, साथ में बच्चों और बुजुर्ग दोनों के लिए साइंस दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस रोल है उन सबको समझाने के लिए इस तरीके साइंस सेंटर डेवलप किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस सेंटर डेवलप हो रहा है कहाँ पर, कोटा में। नेशनल, इसको नाम याद रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नेशनल पे जोड़ देना है, स्टेट लेवल के भी बनाए जाते हैं पर ये नेशनल लेवल का। नेशनल विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ बनाया जा रहा है, कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। इसमें 80 दर्शकों तक की क्षमता का ये बनेगा, इसमें मैक्सिमम कितने 80 क्षमता तक के बैठ सकते हैं और इस ऑडिटोरियम में 3D शो भी आयोजित कराए जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ये वाली तो, और फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए ये आपके सामने है, कृषि शिक्षा में बढ़ाने के रुझान को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। तो कृषि शिक्षा का मतलब यह है कि जो हमारी देश की राजस्थान की जो बालिकाएं हैं जो 12th है ना, सीनियर सेकेंडरी मतलब 10th के बाद क्या होता है, वो 11th में एडमिशन लेती हैं, ठीक है। तो 11th और 12th के लिए, ठीक है, अगर 11th 12th में मतलब सीनियर सेकेंडरी में उन्होंने एडमिशन लिया है तो उन्हें 15,000 रुपये प्रति वर्ष कृषि शिक्षा है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में शिक्षा पढ़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, जिससे क्या होगा कृषि विषय लेने वाली बेटियों का प्रोत्साहन किया जा सके, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड को प्रमोट करना है, सीधी सीधी बात किया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा, सीनियर सेकेंडरी में कितने 15,000 रुपये प्रतिवर्ष, मतलब 11th में 15,000 दिए जाएंगे, 15,000 12th में दिए जाएंगे, तो टोटल कितने 30,000 दे देंगे। फिर देखें यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है आपको पता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन कितने 2 साल की होती है, 3, 2+5 साल के लिए आपको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो 25×5 करेंगे तो 125 हो जाएगा, मतलब 125,000 रुपये आपको मतलब बालिकाओं को दिए जाएंगे जिन्होंने 11th 12th में एग्रीकल्चर फील्ड लिया है, फिर साथ में ग्रेजुएशन भी वो एग्रीकल्चर में फील्ड से ही कर रही हैं, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी उन्होंने इसी फील्ड में करी है। उसके अलावा जब वो PhD में एडमिशन लेंगी तो उसके लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे, और जब वो PhD में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद वो पर मंथ तो वो स्टाइफंड मिलता ही है वो, ठीक है। तो इसलिए इसमें सिर्फ 40,000 रुपये PhD में एडमिशन लेने पर ही है 40,000 रुपये, ठीक है। बाद में तो स्टाइफंड पर मंथ मिलता है वो 30-32,000 रुपये का जो मिलता है वो कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ये जो है ना कृषि विषय लेने के लिए, जो कृषि एग्रीकल्चर फील्ड को प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं स्पेशली क्या है, बालिकाओं को प्रोत्साहित करना है कि बालिकाएं एग्रीकल्चर फील्ड लें, विषय लें, जिससे क्या होगा समाज में देश में जो एग्रीकल्चर में नई क्रांति ला सके, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नई इनोवेशंस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये राज्य सरकार का एक मेजर इनिशिएटिव है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए ये आपका ये 22 तारीख का तो न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया, आ जाइए 23 तारीख के न्यूज़पेपर पे चलते हैं। ये देखिए 23 तारीख का न्यूज़पेपर है, ठीक है। 23 तारीख में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट खबर होगी वो सारी करते जाएंगे। अब देखिए 23 तारीख में क्या इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की जो रोडवेज बसों का किराया है उसमें 50% की छूट दी गई है, ठीक है। पहले ये छूट कितनी हुआ करती थी, पहले इस छूट होती थी 30%, है ना, 30% छूट दी जाती थी, जिसे बढ़ा के कितना कर देगा 50% कर देगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ग्रीन कर दूंगा इसको, ग्रीन नहीं इसको कर देते हैं, ये वाला ग्रीन, ये वाला भी सही नहीं दिख रहा, जो दिखेगा सही वही रखेंगे, ठीक है। पीला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो रेड ही ठीक है अपना, है ना, लाल या काला। तो महिलाओं को रोडवेज बसों में छूट में कराया गया था, 50% कर दी गई, पहले 30% होती थी। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है जो स्वर्ण रजत कला समाज की जो सामाजिक सोशल इकोनॉमिकल एंड
एजुकेशनल जो उनके भी इनकी जो भी रिकमेंडेशन है वो दी जा सके। अब जो स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्वर्ण और रजत कला समाज है ना, इसमें जो सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक अभिवृद्धि को मतलब बढ़ाने के लिए जो भी रिकमेंडेशन देनी है वो रिकमेंडेशन देने का काम करेगा। इसके साथ साथ जो एजुकेशन मतलब रोजगार ठीक है, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ाया जा सके उसकी रिकमेंडेशन देगा। समाज के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं के प्रारूप बनाने में हेल्प करेगा। समाज में जो कला कारीगरी को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। देखो हर एक समाज होता है, हर समाज में एक कोई ना कोई ऐसे परिवार होता है जो एक पर्टिकुलर कला के लिए जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपने प्रतापगढ़ में सोनी परिवार का नाम सुना होगा, थेवा कला के लिए फेमस है। तो इस तरीके से इस समाज की जो थेवा कला को उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे लेके गए। इसी तरीके से ये जो समाज कल्याण बोर्ड है, ये स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड है, तो इस तरीके से समाज में जो भी कला या कारीगरी है उसको बढ़ाने के लिए ये रेगुलर बेसिस पे प्रोत्साहित करेगा। जो भी रिकमेंडेशन है वो देगा ठीक है, जो भी कार्य हो सकते हैं वो सब करने की कोशिश करेगा। साथ में जो समाज में कुरीतियाँ हैं ठीक है, कुरीतियाँ क्या होती हैं, कुरीतियाँ जैसे मान लीजिए सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया ठीक है। तो इस तरीके जो समाज में कुरीतियाँ प्रचलित हैं उन सबको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। साथ में समाज में जो परंपरागत व्यवसाय हैं, परंपरागत मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस चले आ रहे हैं उसमें क्या नई इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके उसको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल किस तरीके से बनाया जाए, लाभदायक स्थिति में किस तरीके से लाया जाए, इसका सुझाव दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस बंद होने की कगार पर आ जाते हैं, तो इसलिए ये वाली चीज करी गई है ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ठीक है। आ जाओ यहाँ पर ये खबर देख सकते हैं कि प्रदेश में 15 धार्मिक पुरातत्विक स्थलों का विकास कार्य होगा। अब जो ये विकास कार्य हो रहा है तो हमें विकास कार्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि तेजाजी महाराज मंदिर कहाँ लोकेटेड है ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लोकेटेड है, किशनगढ़ में। श्री राधा माधव जी का मंदिर कहाँ है, वृंदावन जयपुर के अंदर। श्री कुशल बिहारी मंदिर कहाँ है, बरसाना भरतपुर के अंदर। रामचंद्र जी मंदिर कहाँ है, बड़ी चौपट जयपुर के अंदर है ना। धार देव जी का मंदिर कहाँ पर है, कोटा में। मांगलेश्वर मृतकुंडिया मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रख लीजिए। गोगा जी मंदिर कहाँ पर है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, तो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहे कर लीजिए, यहाँ से पूछे जाते हैं। ये नीचे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए ठीक है। श्री बाबा जी राम मंदिर कहाँ पर है, राज मंदिर मांगरोल 12 के अंदर है। रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया ये तो ठीक है। रूणीचा रामदेवरा मंदिर कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। तेजाजी मंदिर कहाँ पर है, खरनाल नागौर के अंदर है, ये भी हजारों बार पूछा गया है। 12 के शाहबाद और नाहरगढ़ किले ठीक है। अब आपसे ऐसा पूछा जाए कि नाहरगढ़ किला कहाँ लोकेटेड है, वो तो जयपुर के अंदर है, पर शाहबाद और नाहरगढ़ किला है तो फिर 12 करके आना है ठीक है। झालावाड़ के गागरौन किला, ये हजारों बार पूछा गया है। जालौर का भरदा जून में कौन सा, तोपखाना और प्राचीन छत्रियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आशा सहयोगियों के जो मानदेय है उसमें 15% की वृद्धि की गई है। पहले इनको राशि 3,564 रुपये दी जाती थी, जो राशि बढ़ाकर 4,098 रुपये प्रतिमा कर दी गई है ठीक है। आ जाओ नीचे चलते हैं, नीचे कहीं कहो खबर काम की नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर पे चलते हैं, 24 तारीख का ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ इनमें से किस जगह स्टार्ट की जा रही है, लोकेट की जा रही है। क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था, हालांकि उसमें क्या है वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई यार, इसलिए मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ठीक है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी इन चार जगहों में से कहाँ स्टार्ट मतलब चालू की जा रही है, लागू की वो बोलते हैं ना, इस्टेब्लिश की जा रही है ठीक है। बीकानेर पाली जोधपुर या जैसलमेर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ लगाई जा रही है, स्टार्ट की जाएगी, तो ये करी जाएगी जोधपुर के अंदर। जोधपुर में नई मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, बस इतना याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है। आ जाइए नीचे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगी जो हमने डिस्कस करा वो आप यहाँ वापस से कर लेंगे ठीक है। तो मैं एक बार ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जंगल सफारी शुरू करी गई है ठीक है। तो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी को अभी रिसेंटली टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। इससे पहले राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व थे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है। तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व थे, राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व, कौन कौन से। पहला था रणथंभौर टाइगर रिजर्व, बताइए कब बना था, इसके बारे में आंसर लिखिए जब तक, रणथंभौर ठीक है टाइगर रिजर्व।
1980 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था रणथंभौर को, ठीक है। दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? सरिस्का, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कब बना था? 1982 दोबारा लिखता था 1982, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है आप बताइए? तीसरा टाइगर रिजर्व जब तक लिखता हूँ, मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कब बनाया गया था? 2006 के अंदर। इसको मुकुंद्रा नेशनल पार्क भी है, आपने सुना होगा। तो जो मुकुंद्रा नेशनल पार्क है वो कब बनाया गया था? इसको 2013 में बनाया गया था। नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? नेशनल पार्क का दर्जा तो इसे 2013 में दिया गया था, पर मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2006 के अंदर, ठीक है। सरिस्का 1982 में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1980 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये टाइगर रिजर्व है, ये वाला रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, अब इसके साथ में देश में कितने टाइगर रिजर्व बन गए थे? तो ये कौन से नंबर का? 52nd नंबर का, 52वां, ठीक है। हिंदी में बोले 52 और इंग्लिश में बोले 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व बना था देश का, ठीक है। नेशनल लेवल पर कौन सा हो गया? 52वें नंबर का। और राजस्थान में कौन सा हो गया? 4th नंबर का, ठीक है। राजस्थान में तो चौथा हो गया ये, क्योंकि तीन पहले हैं रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंद्रा, ठीक है। तो और चौथा कौन सा बन गया? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। तो ये कौन सी डेट को बनाया गया है? डेट पूछी जा सकती है, तो डेट याद कर लीजिए, 16 मई 2022, ठीक है। 16 मई 2022 को इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये बूंदी में लोकेटेड है, ठीक है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है बूंदी के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, ठीक है। आ जाइए, आगे चलते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जयपुर चौपाटी है, ऐसे कोटा चौपाटी का लोकार्पण किया गया है, तो बस उसके नाम पर ये नाम रखा गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में जयपुर चौपाटी की तर्ज पर किस शहर के अंदर चौपाटी खोली गई है, ठीक है। तो कोटा, ये थोड़ा ध्यान रख लें। इसके अलावा देखो, दो बूंद से बने जिम्मेदार, अभी दो बूंद से बने जिम्मेदार की किस बीमारी के लिए टैगलाइन है ना? आपको टैगलाइनें पता होनी चाहिए ना, एग्जाम में तो पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई दो बूंद से बने टैगलाइन है पोलियो के लिए। किसके लिए? पोलियो के लिए। पोलियो ऐसे याद रखना, पोलियो के लिए है ना। तो ये आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट होता है, ये वाला भी। कौन सा तारीख था? 24 है ना, 24। अब आप 25 तारीख वाले पे चलते हैं, 26 है तो ये होगा 25, ये रहा 25, ठीक है। तो ये देखो 25 जून का न्यूज़पेपर आ गया है आपके सामने। यार अभी जस्ट रिकॉर्ड करा था, वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वापस आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और, ठीक है। वैसे तो एक बार ही होगा, वापस तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं राज्य के, तो उनको क्या है, अलग अलग शहरों के जो तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा कराई जाएगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। इसमें क्या होगा, बस से, रेलवे से और एयरवेज से तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। और एयर जो हवाई जहाज से यात्रा कहाँ कराई जा रही है? काठमांडू नेपाल में कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो विद्या संभल योजना है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं उनको सरकारी स्कूलों में मतलब गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें निजी क्षेत्र और साथ में सेवा निर्वृत्त कोई विषय अध्यापक है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, विद्या संबल योजना। और 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान को 1 बनाने का, है ना। अशोक गहलोत जी ने, जो हमारे CM हैं, उन्होंने कितने कौन से 2030 तक का लक्ष्य रखा गया राज्य को 1 बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, नीचे चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर IM शक्ति उड़ान योजना। अब आपको पता है कि IM शक्ति उड़ान योजना किस लिए लाई गई है? IM शक्ति उड़ान योजना का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो माहवारी पीरियड होता है उसके अंदर जो महिलाएं या बालिकाएं जो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, जिससे वो क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रति माह पर मंथ, ठीक है, पर मंथ कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं? 12 सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके, बस और क्या ध्यान रखोगे, इतना ध्यान रख लो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023, ठीक है। तो ये जो
अब यहाँ पर ही आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना और 2023 की है, तो बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत कितने दिन का इनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोक कलाकार हैं, एक्चुअली क्या होता है, लोक कलाकारों की कोई फिक्स इनकम तो होती नहीं है, जब भी कोई इवेंट होता है तब थोड़े पैसे मिल जाते हैं, तो इसके लिए इनको क्या है, रेगुलर 100 दिन का कम से कम तो इनको पूरे साल भर में अपनी जो कला का प्रदर्शन करने के लिए इनको रोजगार प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। और इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। तो ये अपनी जो कला का जो प्रदर्शन करेंगे कहाँ करेंगे, तो ये करेंगे जो राजकीय जो समारोह होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम हो गए, मेले त्यौहार हो गए, स्कूल कॉलेज हो गए आदि के अवसर दिया जाएगा, 100 दिन का इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। इसके लिए एक पोर्टल भी डेवलप किया जा रहा है कि जिससे क्या होगा, यह वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और साथ में अगर इस पोर्टल पे जाके कोई इनको इन्वाइट करना चाहे तो आसानी से कर सके, इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अजय ये नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया अपना 25 तारीख का न्यूज़पेपर, 26 तारीख के न्यूज़पेपर पे चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो अपना मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब खबरों को कंप्लीट करना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ना सोचें मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में ही करा रहा हूँ, पर जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो करेंगे ही ना। अब देखिए अभी जस्ट आपको फ्री राशन योजना में बताया तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो फ्री राशन में कौन कौन सा राशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्योंकि देखिए जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अब बताइए इसके अंदर सौंफ थी क्या, ठीक है, नहीं थी ना सौंफ, तो पर उसके अलावा कौन कौन से थे, 100 ग्राम क्या क्या दिया जा रहा था, तो अभी तो आपको याद आ जाएगा, पर आपको कमेंट सेक्शन में पूरा लिखना है, बिना देखे रट के नहीं देखना, सारी चीज़ें मन से उससे लिखनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये खबर है, मुख्यमंत्री की मंजूरी, 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित किए जाएंगे, ठीक है। अभी ग्रीन लंग्स होते क्या हैं, देखो ग्रीन लंग्स का सिंपल सा मतलब है कि जो अमेजन फॉरेस्ट है ना, वर्ल्ड के जो अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, तो उनको क्या है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है ना, वर्ल्ड दुनिया के फेफड़े बोला जाता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ग्रीन है, जो दुनिया का पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं। ऐसे ही क्या होगा, उसी तर्ज पर राज्यों के जो 13 शहर है, मेजर 13 शहर, उसके अंदर ग्रीन लंग्स विकसित किए जाएंगे, मतलब जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या होगा, ग्रीनरी जो वन क्षेत्र है उसको डेवलप किया जाएगा इस तरीके से कि वो पॉल्यूशन एब्जॉर्व कर सके इस क्षेत्र का, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से जिलों वो हैं, सिटीज़ हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें डेवलप की जाएंगी, तो वो आपको याद रखनी है। जैसे अलवर का कौन सा हो गया, मंगूस का, ये कौन सी जगह का, अलवर का, चूरू का, राजगढ़, ठीक है, नाम याद रखने, अलवर में कौन सा है, मंगूस का, चूरू का, राजगढ़, चित्तौड़गढ़ का, मंगलवाड़, और साथ में किला ब्लॉक। ये चित्तौड़गढ़ के 2 जगह हो गई, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया किला ब्लॉक, ठीक है, मंगलवाड़ और चिला ब्लॉक चित्तौड़गढ़ का हो गया। राजसमंद का नाथद्वारा और गणेश टेकड़ी, ये कहाँ के हो गए, राजसमंद के हो गए। उदयपुर का क्या होगा, उदयपुर का रिसाला हो गया, इसमें 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, है ना, उदयपुर का रिसाला। इसके अलावा बारा का कौन सा हो गया, खेरखेड़ी बारा का खेरखेड़ी। बांसवाड़ा का कौन सा, श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ का अपन पहले देख लिया, ठीक है, किला ब्लॉक। दौसा का नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है, जयपुर का कानोता बांध, है ना, राजसमंद का बंदरिया मगरा, राजसमंद में कौन सा, बंदरिया मगरा, टोंक का कच्चा बांध क्षेत्र, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं कच्चा बांध कहाँ पर है, टोंक में, बंदरिया मगरा कहाँ है, राजसमंद में, कानोता बांध कहाँ है, जयपुर में, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है, दौसा में, किला ब्लॉक और मंगलवाड़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का, नाथद्वारा गणेश टेकड़ी की बात करें राजसमंद का, ठीक है, उदयपुर का रिसाला, बारा का खेरखेड़ी, बांसवाड़ा का श्यामपुरा, ठीक है, अलवर का मंगूस का, चूरू का राजगढ़। तो ये क्या है, इन शहरों को ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए देखो जयपुर की क्या है, ब्लू पोटरी फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हर क्षेत्र को डेवलप करने की बात करी गई है। तो इसमें क्या होगा, सभी का एक एक प्रोडक्ट चुन लिया गया, तो जयपुर का क्या है, ब्लू पोटरी है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यह आपका कंप्लीट हो गया है, कौन सा, 26 तारीख का न्यूज़पेपर। आ जाइए 27 तारीख के न्यूज़पेपर पर चलते हैं। तो देखिए ये आपका 27 तारीख का न्यूज़पेपर, इस पर देखते हैं कहाँ से कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ खबर इंपॉर्टेंट होगी तो वो करेंगे वरना नहीं करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पर बस ये एक खबर है, तो इसको थोड़ा सा मिचा के वापस से कर लेते हैं। देखो ये खबर है आपके सामने, डायल फ्यूचर, ठीक है, डायल फ्यूचर क्या है,
डायल फ्यूचर, देखो नाम पढ़ने से पता चल रहा है कि भैया आपको अगर अपना भविष्य बनाना है तो डायल करिए, क्या करिए, इन नंबरों को डायल करिए, ठीक है। तो स्कूल गोइंग जो बच्चे थे, अब वो क्या है, अपने भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड उनको अगर कोई समस्या है तो इन नंबरों पर जाके वो मार्गदर्शन ले सकते हैं, वो काउंसलिंग कर सकते हैं। राज्य सरकार क्या है, बच्चों का जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है कि वो भविष्य में बनना चाहते तो डॉक्टर, पर मान लो उनको पता ही नहीं कि उनको किस तरीके से बनना है, तो फिर वो क्या है, कन्फ्यूज़ रहते हैं और कुछ और ही बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, बच्चों की अगर कोई समस्या है तो उसका निराकरण किया जा सके, उनको मार्गदर्शित किया जा सके, उनको गाइड किया जा सके, भाई अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप इस विषय को अपने लीजिए, इस तरीके से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना करियर चुनने के लिए उनको गाइड फ्यूचर तरीके से, एक तरीके से ये हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है बच्चों के काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें, डायल फ्यूचर का संबंध किससे, स्कूली बच्चों से, जिससे वो अपना फ्यूचर का निर्धारण कर सके, ठीक है, किस तरीके से फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं उसको किस तरीके से अचीव कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम क्या है, जो जिन बालिकाओं ने 12th पास करने के बाद में आप कॉलेज के लिए एडमिशन लिया है तो उनके घर से अगर 10 किलोमीटर से अधिक दूरी का अगर कॉलेज है तो उनको सब्सिडी दी जाएगी, साथ में उन छात्राओं को क्या जाएगा, दैनिक 20 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा, ठीक है। आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो दिया जा रहा है 20 रुपये, ठीक है। और ये खाता का ये पैसा कहाँ जमा होगा, सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बेटियों का कॉलेज जाना हुआ आसान, 20 रुपये का करेंगी सरकार प्रतिदिन का भुगतान, ठीक है, पर डे ही दिए जाएंगे दैनिक रूप से, पर डे जब तक मतलब जो संडे को थोड़ी दिया जाएगा, संडे को कॉलेज थोड़ी जाएंगे, तो जो 5 दिन 6 दिन कॉलेज ओपन रहते हैं उसके हिसाब से इनको पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में कर दी जाएगी, ठीक है। आज ये 28 तारीख का न्यूज़पेपर देखते हैं, ये देखिए 28 तारीख का न्यूज़पेपर, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर ये है कि आप सभी को पता है कि आरएएस की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा जो आरपीएससी है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो आरएएस के कितने 905 पद हैं आरएएस की वैकेंसी में टोटल, जिसमें राज्य सेवा के 424 है और अधीनस्थ सेवा के 481 पद हैं, ठीक है। और इसमें जो अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो आवेदन करने की दिनांक कौन सी है, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसकी डेट रखी गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 31 तारीख से पहले ही अपना फॉर्म भर दें, मतलब 20 से पहले ही भर लें, 10 दिन पहले ही फॉर्म भर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बिल्कुल लास्ट डेट के लिए बैठे रहें, या तो शुरू के 10 दिन में भर लेना चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर, बीच में कभी भी भर लो, मतलब 2-3 दिन बाद से कभी भर लो, क्योंकि शुरू में भीड़ रहती है, बाद में भीड़ नहीं रहती, बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से खबर है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता संप्रेषण कौशल विकास योजना राज्य सरकार लेकर आई है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो युवा हैं उनको क्या है, देश विदेश के क्षेत्रों में उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए जो भी उनको भाषा में भाषा या कम्युनिकेशन में जो भी उनको ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, अरबी, स्पेनिश, अन्य विदेशी भाषाओं को सिखाया जाएगा और साथ में उनको बोलने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ में संवाद भी किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा। और जो बच्चे जो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता संप्रेषण कौशल विकास योजना में एनरोल करते हैं उनको 1500 प्रति रुपये का क्या दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है, स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बस इसमें बस इतना ही है। इसके अलावा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहित की गई है, जिसमें क्या है, महिलाओं को उद्योग में लाना है, है ना, महिलाओं को जो भी लोन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी जाएंगी, इसमें 50 लाख रुपये राशि तक का लोन स्वीकृत किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये 28 तारीख का अपना न्यूज़पेपर कम्प्लीट हो गया है, आ जाइए अब 29 तारीख का देखते हैं, इसमें ज़्यादा था नहीं कुछ ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये है आपका 29 तारीख का न्यूज़पेपर, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये तो क्या लास्ट में बोला जाता है ना वो, अब देखो अभी आरएस की वैकेंसी आई थी, दूसरे दिन कौन सी है, पशु परिचर की वैकेंसी लेकर आई है राज्य सरकार, जिसमें कितने 5934 पद होंगे, तो आप इसकी देख सकते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी करंट अफेयर्स तो पूछा जाएगा ही ना, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। आ जाइए नीचे देखते हैं क्या खबर है यहाँ से इंपॉर्टेंट इसमें, तो देखिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ है, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, बस इतनी खबर है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो मछली पालन को प्रोत्साहन करने के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो निःशुल्क बीज मछली पालकों को जो निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो कौन सी मछली की प्रजाति के दिए जा रहे हैं,
ठीक है। तो प्रति किसान को डिग्गी भारतीय मेजर कोप प्रजाति, ठीक है, कौन सी डिग्गी भारतीय मेजर कोप प्रजाति, कौन सी, रोहू, ठीक है, ये याद रखना है रोहू नाम, फिर रोहू, कतला और मिग्रेल, मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ। देखो पहला है रोहू, रोहू मछली की प्रजाति है, दूसरा कतला और तीसरा नाम हो जाएगा मृगिल, मृगल, ठीक है, मृगल, गिल नहीं है, गल है, मृगल, ठीक है, रोहू, कतला, मृगल, ये क्या है, मछली की प्रजाति है जिसका 1000 अंगुलिका फिंगर लिंग आकार के मत्स्य बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, कितने, 1000, ठीक है। तो रोहू, कतला, मृगल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप ये डायल फ्यूचर स्कीम, ठीक है, डायल फ्यूचर में क्या है, संकाय चयन करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, तो ये डायल फ्यूचर है, जो भी बच्चों को काउंसलिंग चाहिए अपने भविष्य को रिलेटेड, तो वो यहाँ पर इन नंबरों पर कॉल करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि भाई भविष्य में ये बनना है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, 29 तारीख तक के न्यूज़पेपर में इतना ही था, जिसमें से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या है, सूजस ई बुलेटिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए, सर अच्छा लगता है तो आप इसको रेगुलर रखिए, और बहुत डिटेल और डिटेल में बनाइए तो हम इसे और डिटेल में ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अगर बेकार लगता है तो बेकार बता दीजिए, सही लगता है तो सही बता दीजिए, जो भी है जैसा भी है, आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कमेंट करिए, बेकार है तो बेकार करिए, जिससे हमें पता चल सके हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।